खुश आमदीद आप सभी दोस्तों का और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्टर परसेंटेज लिस्ट की जो निकली है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी से रिगार्डिंग JKEPM मंथली रिपोर्ट। जी हां दोस्तों आज हम इस जो कल ही एक लेटर आई है 2 फरवरी 2023 को आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे उस लेटर की जो निकली है 2 फरवरी 2023 को। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल जो कि सिविल सेक्रेटरीट से निकली है जनरल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे लिखा गया है द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू इनवाइट द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टुवर्ड्स द सब्जेक्ट साइटेड अबो एंड टू फॉरवर्ड हियर विद द डिफॉल्ट परसेंटेज लिस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। एनेक्सर ए में है अलॉन्ग विद मंथली कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ the EPM filling status with all the departments and it should be with the request to ensure onboarding of all the employees on the said portal besides ensuring compliance of फिलिंग मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन EPM विदाउट फेल। जैसे कि आप दोस्तों ये समझ चुके होंगे कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये कहा गया है कि एक तो सारे एम्प्लॉयज़ को रजिस्टरिंग करनी ही करनी है और साथ में ही उनको वहाँ पे परफॉर्मेंस मंथली पोर्टल जो है EPM जो है उस पर अपनी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब यहाँ पे आप बोल लेंगे कि हम तो फिल करें नहीं। यहाँ पे अगर आप अभी लिस्ट हम देखेंगे कि बहुत से डिपार्टमेंट में अभी डिफॉल्टर पोजीशन है। आप एनेक्सर ए की तरफ आइए, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल रिपोर्ट सबमिटेड और डिफॉल्टर लिस्ट। पहले अगर बात करेंगे नंबर वन पे है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनके एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा 1,00,000 से ऊपर है। लेकिन अगर बात करेंगे डिफॉल्टर्स ओनली 9,180 और सिर्फ 8.06 नहीं 8.06 डिफॉल्टर है। इतना अगर बात करेंगे इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो अगर बाकी डिफॉल्टर डिपार्टमेंट्स वहाँ देखेंगे तो उनकी परसेंटेज हाई है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे होम डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे, होम डिपार्टमेंट आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्टर जो है वो इसी तरह आप तमाम डिपार्टमेंट्स का खुद भी देख सकते हैं। और हालांकि बहुत से एम्प्लॉयज़ अपना सबमिट करते हैं मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन टाइम, लेकिन जब हम इस लिस्ट की तरफ नज़र यहाँ पे दौड़ाते हैं हम देखते हैं तो बहुत से यहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कहीं कहीं पे 14, 15, 30, 40 के ऊपर भी डिफ़ॉल्टर यहाँ पे परसेंटेज है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइम पे सबमिट करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक अपना EPM पे ना तो रजिस्टरिंग की है और ना ही आप अपना मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो जल्दी से एक तो इस पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रिंग कीजिए और साथ ही में हर एक मंथ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो इन डिफ़ॉल्टर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।